हमने फैसला किया ना, मैंने आपसे वादा किया है ना कि आज आप सीख के जाओगे, स्किल अप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है, तो मैं ऐसे को जाने नहीं दूंगा। Hey guys, today I'm gonna speak about discipline. Discipline is an important feature which is followed even by the nature, as we see sun, moon, rise and sets in a disciplined manner. Flowers, flowers, and discipline. Peter Piper picked the pack of pickle paper. Peter Piper picked the pack of pickle paper. Where the pack of pickle paper? Peter Piper made. अब जहां तक इंग्लिश की बात होती है, इंग्लिश कैसे सीखें? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डाउट आते हैं। कुछ लोग इंग्लिश को हिंदी से सीखते हैं, बहुत सारे साथी होंगे, आप लोगों को सिखाया भी होगा बहुत लोगों ने इंग्लिश से, हिंदी से इंग्लिश। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, नामुमकिन है दोस्त, नामुमकिन, इट्स इम्पॉसिबल। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। ट्रांसलेशन करके कभी कोई सीखा ही नहीं। आप लोगों ने कभी सॉरी का ट्रांसलेशन किया? सॉरी का ट्रांसलेशन माफी मांगना होता ही नहीं, माफी मांगना होता ही नहीं है। क्यों? आप सर्च कर लो, माफी मांगना सॉरी का मतलब होता ही नहीं। भरोसा है? ठीक है भाई, सॉरी का मतलब माफी मांगना होता नहीं, क्योंकि आपने उसकी ट्रांसलेशन करी नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा सॉरी और थैंक यू बोल देते हो, है ना, एकदम से मुंह से निकल जाता है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि आपने ट्रांसलेशन का पंगा इसमें नहीं डाला। याद रखना, ट्रांसलेशन के चक्कर में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी कभी भी फ्लुएंसी नहीं आ सकती, क्योंकि जितना अपने रटा हुआ होगा उतना ही बोल पाओगे, ट्रांसलेशन करते रह जाओगे। जितने अच्छे स्पीकर्स हैं, जितने भी हैं, वो सब किसी से पूछ लेना आप, कोई भी हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता। जैसे आपसे पूछूं व्हाट्स योर नेम, एकदम से दिमाग में आएगा माय नेम इज डैश, जो भी नाम है आपका, है ना, ऐसे निकल जाता है ना। अच्छा नहीं, डैश नाम नहीं ना। सो क्यों होता है? तो इसी से आपकी, अगर आपको स्पीड लानी है, आपको फ्लुएंट होना है, तो आप रट के फ्लुएंट नहीं हो सकते। तो रटने का तो मतलब ये हुआ ना, एक पेट्रोल की टंकी है, जितना पेट्रोल भरा उतनी चल पाएगी। लेकिन अगर मैं आपका तेल का कुआं निकाल दूं, एक ऐसा हम कुआं खोदें जहां से तेल निकलने लगे, कभी वहां से वो पेट्रोल खत्म होगा? फिर कभी खत्म नहीं होगा भाई, वो अमर है, लाइफ लॉन्ग है। समझ पा रहे हो? सो हिंदी से सोच सोच के क्या अपना माइंड आप कंफ्यूज करोगे? अरे इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, आसान है। बस करने की आपको तरीका पता होना चाहिए कि करना कैसे, वो मैं आज आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो कभी आपने ऐसे सोचा कि ग्रामर बनी क्यों है? हम भागते हैं, हम ऐसे भागते हैं ग्रामर से ना, दूर दूर दूर, वो पीछे पीछे आती रहती है, पीछे पीछे, आप कहीं भी चले जाओ, परछाई है। इंग्लिश के अंदर जो लोग बोलते हैं ना, मैं बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखता हूं, सीख चुका हूं, सिखा दूंगा, झूठ है। बता रहा हूं क्यों, बता रहा हूं, अगर आप अकेले रहते हो ना, आपके आसपास इंग्लिश बोलने वाले नहीं है, अगर बोलने वाले हैं फिर तो पॉसिबल है। भाई मान लो मेरे पप्पा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, पप्पा मेरे को गालियां भी इंग्लिश में देते हैं, मान लो डांट भी इंग्लिश में ही डांटते मेरे को, है ना, बोलते हैं कैसा बच्चा पैदा हुआ है ना, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर, है ना, ऐसे अगर बोल देते हैं, है ना, तो जब तो समझ में आता है। जैसे हम नाटकों में देखते थे, जब बचपन में हम नाटक सीरियल्स आते थे ना, तो उसमें वो कहती थी संजू बिहेव योरसेल्फ, समझ में नहीं आता था क्या बोला, फिर उसको डिक्शनरी करते बिहेव योरसेल्फ, क्योंकि ये है भी मुश्किल, ये सेंटेंस है भी मुश्किल, बिहेव योरसेल्फ किस तरह से बोला गया, अगर इसकी ग्रामर देखो थोड़ा मुश्किल है, तो समझ में नहीं आता। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड लैंग्वेज क्या है, समझ ही नहीं आता था, मतलब अपना अपना दिमाग अपनी जुबान पर लाओ, ये क्या है। ठीक है, तो जब अगर आपके आसपास का माहौल है, आप कॉलेज में हो, सारे इंग्लिश में बोल रहे हैं, SRCC में हो, स्टीफन में हो, तब तो बात ही अलग हो जाती है ना, आपके आसपास हैं लोग बोलने वाले, फिर तो ग्रामर अपने आप ही आ जाएगी ना आपको सुन सुन के। जैसे सॉरी थैंक यू कभी सोचा नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो मेरे जैसे हैं, जिनके आसपास कोई है ही नहीं जो इंग्लिश बोलता हो, नहीं है ना। अगर आप इंग्लिश बोलोगे कहेंगे ए अंग्रेज शांत, अगर कोई ऐसे आपको मजाक उड़ा दे तो आप फिर अगले 2 साल तक तो बोलने की ट्राई नहीं करोगे, है ना। ये लोग बोलते हैं ना कि शर्माओ मत, गलती कर दो, कोई बात नहीं, कोई बेइज्जती करे, ओ भाई इसी बात का तो डर है, इसीलिए तो हम जिंदा हैं, इज्जत ही तो सबसे प्यारी है कि नहीं, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना लाइफ की। अभी आवाज निकाल लो, पूछूंगा मैं कुछ, अभी याद रखना, पूछूंगा तुम लोगों से ही पूछूंगा सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, सो बच्चा सुनो ना, बड़े प्यारे बच्चे आए हुए सारे, मुझसे ज्यादा एनर्जी लिए बैठे। सो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर आपका माहौल ऐसा है जहां पे हैं आसपास लोग, मान लो ये मेरे बड़े भैया हैं, ये बड़े भैया बैठे हुए हैं, ये इंग्लिश बोलते हैं, मैं साथ में पल बढ़ा हूं, तो कहते रहेंगे अरे छोटे ऐसे नहीं, ऐसे होता है, अरे छोटे बिहेव योरसेल्फ,
मैं बिहेव कर लूंगा, छोटे माइंड योर लैंग्वेज में माइंड कर लूंगा, समझ में आ जाएगा मुझे। लेकिन अगर ऐसा कोई भी नहीं है बिना ग्रामर के, फिर पता क्या हालत होगी, मैं बता रहा हूं क्या हालत होती है। आप गए, यू एम आई स्टूडेंट, अब पता है क्या, खुद बोल तो तेज दिया, चीख कर दिया, लेकिन मन कह रहा है बेटे कुछ पाप किया है, कुछ क्राइम किया है, कुछ गड़बड़ तो की है तुमने। मन को विश्वास नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सेंटेंस ही बोलोगे अपनी जिंदगी में। क्या ये सोचा कि बस जिंदगी भर किसी को यही बोलोगे आई लव यू आई हेट यू, इससे आगे भी तो बढ़ोगे ना लाइफ में? नहीं ऐसा तो, अरे मैं मम्मी पापा की बात कर रहा हूं यार। So, जिंदगी में ये तो नहीं होगा ना कि आपने कुछ सिलेक्टेड वर्ड, आई एम सॉरी, थैंक यू, बाय। ये क्या था? आप कहीं भी जाते हो, पूरी पूरी बात करनी पड़ती है, डिटेल में बातें करते हो, तरह तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उसका एक ही तो सोल्यूशन है कि वो जो गड्ढा मैंने खोदा है जिसमें से तेल निकल रहा है वो तेल निकलता रहे, वो बंद ना हो। ये ना हो कि मैंने पेट्रोल डलवाया टंकी के अंदर, पेट्रोल खत्म टंकी, अगर 2 घंटे गाड़ी चलानी पड़ी तो टंकी खत्म, गाड़ी रुक जाएगी 2 घंटे से। मेरा मतलब यह है कि अगर आपको कहीं ज्यादा बोलना पड़ गया, कोई अच्छी जगह पे आप चले गए, वहां आप एकदम खत्म हो जाओगे, है ना? तो फायदा क्या है, हमें क्या सीखना है? ग्रामर क्यों सीखनी पड़ती है? ग्रामर सीख के फायदा क्या हो जाता है? फायदा ये हो जाता है, अगर मुझे पता है कि मुझे ये सेंटेंस ऐसे बनाना है तो दिमाग में सब्जेक्ट तो आ ही जाता है, फिर आई शी ही वो तो आ जाता है। अब मुझे मालूम है कि मैं कौन से टेंस में बात करूं, माइंड ना इस तरह का डिजाइन हो जाता है कि फिर सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांसलेशन वाला पार्ट मैंने कट कर दिया, रटने वाला पार्ट मैंने कट कर दिया, मैं अब रट नहीं रहा, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हूं, मुझे रटने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, माइंड में अपने आप स्ट्रक्चर, पता है अगर मेरे माइंड का आप अगर एक्सरे करोगे ना, क्या होगा, जो भी स्कैन करोगे ना, तो आपको पता है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे मुझे ना, जो भी बोलना होता है एकदम स्ट्रक्चर ऐसे आता है यूं करके खट, और पता है फिर ना मैं ऐसे ऐसे खुद को ना ऐसे भरोसा देता हूं, अरे आता है मेरे को, और ये आज से थोड़ी हुआ है, अब तो मैं बुढ़ा हो गया, जब मैं छोटा था ना, बहुत छोटा था, तब से मैं ऐसे ही करता आता था कि मुझे खुद के ग्रामर पे, खुद के कॉन्सेप्ट्स पे, खुद की नॉलेज पे विश्वास था। और याद रखना, जब ना आपको अपने ऊपर विश्वास होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस, चाहे फिर पब्लिक स्पीकिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे, फिर नहीं डर लगता। जब आप यहां आओ स्टेज पे, आपको पता ही नहीं क्या बोलना है, आप ना इधर इधर देखोगे, बाय बाय, और ये होगा, आपको पता है यार वो छोड़ क्या बोलना है, वो सोचता आया हूं मैं तो, अरे हाँ भाई और क्या हालचाल है तुम्हारे, क्योंकि आपका माइंड ना, आपके माइंड में वो सब कुछ फीड है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ इंग्लिश को ना इंग्लिश बोलते हैं, यार इंग्लिश मत बोला करो। यार नहीं पता है, मुझे तो गलत बोलना पड़ता है जानबूझ के। होता है ना कोई अच्छा बैट्समैन है, उसको खराब खेलना भी उसे आता नहीं है, वो कहता कैसे खराब खेलूं, मतलब खराब खेलने की कोशिश करता है तो भी चौका लग जाता है, वो वाली बात हो जाती है। तो मुझसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूं आजकल, ठीक है? तो इंग्लिश होता है, बाय द वे जोक्स अपार्ट, इंग्लिश बोला करो भाई, इंग्लिश होता है, ठीक है? अभी इस पे ही बात करेंगे, कैसे आपका प्रोनंसिएशन कैसे सुधरेगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है ना, मुंह से जा नहीं निकलता, शा नहीं निकलता, होता है, कोई नहीं, बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, पब्लिक स्पीकिंग से डर किसको लगता है? अरे सबको लगता है, सभी को डर लगता है, रेज योर हैंड प्लीज, किस किस को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? स्टेज फियर है, इंटरव्यू के अंदर जाने से डर लगता है, वाइवा होता है स्कूल में उसमें डर लगता है, सबको लगता है, क्या बात है। वैसे एक हाथ मुझे भी उठा लेना चाहिए, नहीं ये सच है, सबको लगता है डर। मुझे इस बात का पता, पता है कैसे चला? एक बार विराट कोहली ने ये कहा, मैंने उन्हें कहते हुए सुना, विराट कोहली को सब जानते हैं ना, विराट कोहली को मैंने ये कहते हुए सुना कि 2014 वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच था, उसमें विराट कोहली को इतना डर लग रहा था कि जब वो ग्राउंड पे गए तो उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही थी और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और अगर आपको याद हो तो 2014 वर्ल्ड कप में विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, मतलब एक चैंपियन बैट्समैन ये कह रहा है कि उसे डर लग रहा है, मतलब विराट कोहली को देख के बॉलर को डर लगने लगता है कि यार कौन खड़ा है सामने, विराट कोहली, उसकी लाइन लेंथ खराब हो जाती है, लेकिन विराट कोहली कह रहा है मुझे डर लग रहा है। विराट कोहली को डर किससे लग रहा था? क्या नेट में प्रैक्टिस करते हुए विराट कोहली को डर लगता है? नहीं लगता ना, नहीं लगता ना। लेकिन विराट कोहली को स्टेडियम में जब मैच हो रहा है तब डर लग रहा है, किस वजह से डर लग रहा है? पब्लिक से डर लग रहा है, यू आर राइट। तो अब मैं एक और आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा। मैंने अजय देवगन का एक वीडियो देखा जिसमें अजय देवगन साहब की फर्स्ट मूवी थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, फूल और कांटे। अरे सिंघम, अजय देवगन को तो सब जानते ही है ना, एक्चुअली मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे पता नहीं चलता आप लोगों की जनरेशन के हीरोज कौन है, तो हमारे टाइम पे तो अजय देवगन ही रहे,
अच्छा मैं अच्छा जी, तो चलो अभी अजय देवगन के बारे में बता दूं मैं आपको। तो सिंघम मूवी के जो एक्टर है अजय देवगन, बहुत बड़े एक्टर है, सुपरस्टार अजय देवगन, मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि उनका जो फर्स्ट फिल्म की शूटिंग थी ना, तो फर्स्ट डे उनसे पूछा गया कि आपको डर लग रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे डर लग नहीं रहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि फर्स्ट डे जब फर्स्ट शूट होता है तो डर लगता है, तो मुझे लगने लगा। यहां भी डर खुद को नहीं लग रहा था, लोगों ने जो कहा, लोग जो आसपास थे उन्होंने डरा दिया। क्या मैं कह सकता हूं कि पब्लिक से सबको डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगता? एम आई राइट? यही होता है आपके साथ भी, आपको किसी को पर्सनली डर नहीं लगता चीजों से, कि पब्लिक स्पीकिंग का कोई आपके अंदर फियर है, नहीं, आपको प्रेशर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं गलती कर दूंगा, मिस्टेक कर दूंगा या कर दूंगी तो क्या होगा। और ये जो डर होता है ना, ये हमारा गला सुखा देता है, हमें अजीब अजीब सा होने लगता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोर देन 75% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, यानी 75% तो नॉर्मल ही है, जिसने भी हाथ उठाया था वो सब बच्चे, वो सब स्टूडेंट, वो सब लोग नॉर्मल है, यू ऑल आर नॉर्मल, इसमें कुछ भी अबनॉर्मल जैसा है ही नहीं। सबको डर लगता है और फिर भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, ये कैसे होता है? तो ये इसका भी एक तरीका आज मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहूंगा। क्या नाम है? शुभम। शुभम नाम है इनका। शुभम कैसा लग रहा है अभी? सामने देखो, सामने देखो, कैसा लग रहा है? हेजिटेशन हो रही है सर। क्या हो रहा है? हेजिटेशन हो रही है। किस चीज की हेजिटेशन? पब्लिक स्पीकिंग से हेजिटेशन हो रही है। बॉडी में क्या फील हो रहा है? नर्वसनेस फील हो रही है। सांस फूल रही है? Yes. गला सूख रहा है? Yes, sir. हो रहा है। आप आराम से खड़े रहो ना, कोई दिक्कत हो रही है? No, नहीं, खड़े होने में दिक्कत नहीं हो रही। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप कांप रहे हो? No, नहीं कांप रहे। अच्छा, जो इस वक्त शुभम की कंडीशन है वो हम सबकी होती है, हम सबकी होती है, नॉर्मली सबकी होती है। शुभम तुम अकेले नहीं हो, सबको यहां आके ऐसा ही फील होता है, वहां बैठ के बहुत अलग फील होता है, लेकिन जब यहां आ जाते हैं ना, बल्कि तुम्हारी तो बहुत अच्छी हालत है, मैं जब आ रहा था मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे। तो यहां प्रॉब्लम पता है किस चीज का है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपकी बॉडी ना, हर किसी की बॉडी सेम रिएक्ट करती है पब्लिक स्पीकिंग पे। जब कहीं पे किसी के सामने कुछ कहना होता है, किसी के सामने कुछ करना होता है ना, अभी मैं कहने लगूं कि डांस करके दिखाओ, करोगे? तो डांस तो करने में और हालत खराब हो जाती है, फिर डांसर कैसे डांस कर लेते हैं? मैं बताता हूं क्या होता है। जब हम यहां पे आते हैं, जब हम प्रेशर में होते हैं, हमें ये लगता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं, तो हमें डर लगना शुरू होता है। कोई हमारा मजाक ना उड़ा दे, कोई हम पर हंसने ना लगे, जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, सामने वाले समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं कुछ गलत ना बोल दूं और वो गलत ना समझ ले और मेरा मजाक ना उड़ा दे, है ना, इस चीज का तो डर होता है। अच्छा शुभम, मैं अगर आपसे कहूं, इनकी तरफ देखो ना, ये जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जितने भी लोग बैठे हैं, ये आपको सुन नहीं सकते, ये आपको सुन ही नहीं पा रहे, फिर आपको कैसा फील होगा? एक बार महसूस करो, सोचो। मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने लोग आपके सामने बैठे हैं, ये आपको सुन नहीं सकते, आप जो भी बोलो ये सुनने वाले नहीं है, फिर नहीं लगेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो लोग बैठे हैं, ये बोल भी नहीं सकते, आप कुछ भी बोलो लेकिन ये नहीं बोल सकते, ये सब लोग बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ आप बोलोगे, अब ये सुन नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, अब कैसा फील हो रहा है? ये कर रहा है। महसूस करो, ऐसे ही मत बोलो, तो अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जितने भी लोग बैठे हैं, ना ये सुन सकते, ना ये बोल सकते और ना ये समझ सकते आप क्या बोल रहे हो, आप ही वो इकलौते जिसके पास दिमाग है, आप ही इंटेलिजेंट हो यहां पे, ओनली यू हैव द ब्रेन, ओनली यू हैव द माइंड, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन राइट हियर, अब कैसा लग रहा है? महसूस करो, समझो कि ये लोग, अच्छा भाई माइंड मत करना, ये सब लोग बेवकूफ है सर, नर्वी रहा है, अब कैसा लग रहा है? अब बेटर फील हो रहा है? जोर से दो तीन बार सांस लो, गहरी गहरी सांस भरो, बेटर फील हुआ? पानी पिया था आपने? पिया था, तो गला नहीं सूखेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू शुभम, थैंक यू। सो गाइस, व्हाट आई मीन टू से, कहने का मतलब यह है कि पब्लिक स्पीकिंग में हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाला जो हमें सुन रहा है, जो हमारा लिसनर है, जो हमें देख रहा है, हमारा व्यूअर है,
वो हमें जज कर रहा होता है और हमें डर होता है कि हमारी इंसल्ट ना हो जाए। ये डर जायज है, ये डर बिल्कुल जायज है, लेकिन इसका सोल्यूशन हमने अभी क्या निकाल के देखा कि अगर मैं ये मान लू ना कि जितने लोग सामने बैठे हैं उन सब के सब आपको समझ ही नहीं सकते, इन शॉर्ट कहूं तो बेवकूफ है, अगर मैं ये सोच लू तो क्या मेरे अंदर से डर निकलेगा? 100% निकलेगा। अगर आप ये सोच लो कि आपसे ज्यादा माइंड, आपसे ज्यादा दिमाग किसी और में है ही नहीं, जो भी आप बोलोगे वही सच होगा, जो भी आप बोलोगे वही सबसे सही बात होगी, तो ये डर आपका निकल जाएगा। बहुत सिंपल से शब्दों में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। और मैं बताऊं, ये जो फियर है ना, ये मैंने भी फील किया है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है जिसने कभी पब्लिक स्पीकिंग का फियर फील किया ना हो। लेकिन आपको एक्सपीरियंस से और जो मैंने आपको तरीके बताए ना कि आप खुद से ये कहते रहो कि भाई मैं जो बोलने वाला हूं वही सही होने वाला है, सामने जो लोग बैठे हैं वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो मूक दर्शक हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मुझे डर नहीं है। एक और सच भी तो है ना, जब आप बोल रहे होते हो तब सब चुप होते हैं, लेकिन अगर आप चुप होते हो फिर सब बोल रहे होते, फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है, फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई कि पब्लिक स्पीकिंग का डर नहीं होता, पब्लिक का डर होता है। वो डर निकलेगा कैसे? जब आप खुद से ये कहो कि आप इंटेलिजेंट हो, खुद को बैक करो। खुद को क्या करना है? हमें बैक करना है। तो क्या आप महसूस कर पा रहे हो ये चेंज अपने अंदर कि अब आपको कभी भी पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़े, स्टेज पे बुला लिया जाए या किसी हॉल में आपसे कहा जाए, किसी कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो आपसे कहा जाए कि अपनी प्रेजेंटेशन दो, तो क्या आप खुद को बैक कर पाओगे, खुद को स्ट्रांग बना पाओगे कि नहीं मैं जो बोलूंगा वही सही होगा? फील कर पा रहे हो? चलो अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है, आपको ना ईमानदार रहना है। ऑनेस्टी की जो पावर होती है ना, उससे बड़ी कोई पावर नहीं होती है। जब मैं यहां खड़ा हूं और मुझे मालूम है कि मैं सच बोल रहा हूं, तो सच ना आपको ना बैक करता है कि यार अपने अंदर ना एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप होता है कि मैं जो भी बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं ना, झूठ तो नहीं है ना। तो झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर देना, कभी भी कहीं भी आपको बोलने का मौका मिले ना, हमें झूठ नहीं बोलना है। जो भी बात है साफ साफ बोल दो, जितना आता है उतना बोल दो, उसके अलावा कुछ भी बोलने की कोशिश मत करो। तो पावर ऑफ ऑनेस्टी दोस्तों बहुत ही अमेजिंग होती है, आप कभी इसको फील करना। तो जो भी बच्चे वाइवा में आपको क्वेश्चन नहीं आता, मान लो वाइवा में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपको उसका आंसर नहीं आता, सिंपली से नो आई डोंट नो। यूपीएससी से लेके कैट के एग्जाम तक, बड़े बड़े इंटरव्यूज तक, आपके जितने भी इंटरव्यूज किए जाते हैं, जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो यही देख रहा होता है कि आपकी आंखों में सच्चाई है कि नहीं है। सो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का फियर दूर करने के जो दो मेजर तरीके, एक तो ये कि सामने वाले जितनी भी ऑडियंस है समझो कि इन्हें कुछ नहीं आता, मेरे को सब आता है। अपने आप से ये कहते रहो, इट साउंड फनी बट इट इज रियली वर्किंग। सो अगर आप एक बार अप्लाई करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सेकेंडली, झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? करोगे अपना फॉलो, अप्लाई करोगे? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब बात आते हैं हमारी इंग्लिश के ऊपर के भाई, बोलने की तो बात हो गई सर, अब हमें इंग्लिश के बारे में बताओ कि इंग्लिश स्पीकिंग जो कि बड़ी मुश्किल लगती है, कैसे करें, क्या करें? दुनिया भर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, दुनिया भर के टीचर्स अवेलेबल हैं, आज के टाइम में इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर भी हमारे अंदर इंग्लिश स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस नहीं आता। कितने लोगों को लगता है कि उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की जरूरत है और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसमें? बहुत, ऑलमोस्ट सभी को लगता है, अब नहीं लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों को ये डर खत्म हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं आज, ठीक है? चलो, इंग्लिश स्पीकिंग से हमें डर क्यों लगता है, इसका जवाब जानने के लिए या कैसे हम इंग्लिश के अंदर फ्लुएंट हो सकते हैं, इसका आंसर जानने के लिए मैंने क्या किया आप लोगों के लिए ना, मैंने जो फॉरनर्स होते हैं ना, नेटिव स्पीकर, उनसे बात की। अभी दो दिन पहले की बात बता रहा हूं, तो एक अमेरिकन थे, कौन थे? एक अमेरिकन टीचर थे, मैंने उनसे बात करी, वीडियो कॉल किया, उनसे बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि सर एक नॉन नेटिव स्पीकर जो होता है जिसकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, वो इंग्लिश कैसे सीखे, कुछ बता दो। पता उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने मुझसे पूछा आपको कौन सी इंग्लिश सीखनी है ये बताओ। मैंने कहा है कौन सी इंग्लिश? अब भाई इंग्लिश तो इंग्लिश ही तो होती है, अब ये क्या है कि इंग्लिश कौन सी? कन्नड़ इंग्लिश होती है क्या कोई? नहीं नहीं, मराठी इंग्लिश नहीं भाई, इंग्लिश तो इंग्लिश हमने सुना है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे ये बताओ कि आपको अमेरिकन इंग्लिश सीखनी है, आपको ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी है, आपको कैनेडियन इंग्लिश सीखनी है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश सीखनी है, बताओ कौन सी इंग्लिश सीखनी है। मैं हैरान था, मैंने कहा यहां तो थोड़ी बहुत इंग्लिश की बात हो रही है कि सर थोड़ी बहुत इंग्लिश कैसे सीखें, ये बात करने लगे कि कौन सी इंग्लिश सीखनी है। फिर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे कहा
कि सर होता ऐसा है कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं ना तो डिपेंड करता है कौन सी इंग्लिश सीख रहे हो, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के जो फ्रेजेस होते हैं ना, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो ब्रिटिश के नहीं होते। अमेरिकन लोग ग्रामर पे ध्यान नहीं देते, ब्रिटिशर्स देते हैं। इसी तरह से हर कंट्री की जो भी इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं ना, उनके अपने अपने स्लैंग्स होते हैं, अपने अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। अब हम परेशान रहते हैं, हम इंडियंस हैं, हम परेशान रहते हैं कि ये तो एडवांस इंग्लिश है, जबकि एडवांस नाम का कुछ भी नहीं होता। आपको याद रखना है, एडवांस इंग्लिश के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, हमें बेसिक समझ में आ जाए बहुत है। फिर मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने फिर बार बार मुझसे पूछा कि अच्छा आप एक बात बताओ ना, आपको कौन सी इंग्लिश सीखनी है, आप कौन सी इंग्लिश की बात कर रहे हो? सो आई सेड के भाई हम लोग तो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं जितने भी इंडियंस हैं। और क्यों बोलते हैं, उसका भी बहुत ऑब्वियस सा रीजन है ना भाई। भाई उन्होंने राज किया है हम पे, इतने साल हमारे ऊपर राज किया, रूल किया है, तो उनका इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, है ना। आपका पड़ोसी आपके साथ रहता है तो उसका इन्फ्लुएंस आप पे आ जाता है, इसी तरीके की बात है। सो उनका इन्फ्लुएंस हम पे है, इसलिए हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। तो मैंने कहा ब्रिटिश इंग्लिश हम सीखते हैं। तो तब मुझे एक बात समझ में आई कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर गोना लर्न ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि बहुत आसान है, जिसके अंदर ग्रामर भी बोली जाती है, ग्रामर का भी अच्छा खासा रोल होता है, और तब जाके हम इसमें एक्सेल कर लेंगे। तो इतना मोटा मोटा तो मुझे समझ में आ गया। क्या आपको समझ में आई ये बात? अगर कोई आपसे आके कहे कि बताओ इस स्लैंग का, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, बहुत ही उल्टा सीधा, तो आप क्या करोगे? आप उससे कहोगे भाई ब्रिटिश इंग्लिश में या इंडियन इंग्लिश जो है हमारी, उसमें ये है ही नहीं, क्यों फंसा रहे हो, क्यों क्यों हम अपने आप को कंफ्यूज करें, है कि नहीं? तो हमें याद रखना है कि हमें इंडियन इंग्लिश सीखनी है जो कि ब्रिटिश इंग्लिश से इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है। इतना क्लियर हो गया? चलो इतना तो क्लियर हो गया सभी बच्चों को, सभी लोग जो भी यहां मौजूद है, मुझे उम्मीद है कि वो सभी मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं अच्छे से। चलिए अब मुझे आप एक बात बताओ, आप लोगों ने हैप्पी वर्ड सुना है? हैप्पी मतलब क्या होता है, क्या होता है, आवाज नहीं आई मुझे। क्या आप सभी लोग अपने अपने मन में सोच के मुझे यह बता सकते हो कि हैप्पी की जगह कोई पांच वर्ड आप इस्तेमाल कर सको? हैप्पी की जगह अपने मन में सोच के बताओ और रेज योर हैंड। स्माइल नहीं हुआ, हैप्पी का मतलब होता है खुश, नहीं ऐसे अपने अपने सोचने पांच वर्ड क्या आपको आते हैं, एंड रेज योर हैंड प्लीज। मुझे हाथ ही नजर नहीं आ रहे। अच्छा झूठे हाथ मत उठाना, देखो खड़ा कर लूंगा, उठा लूंगा आप लोगों सीट पे, झूठा हाथ नहीं खड़ा करना। अच्छा मोबाइल में कुछ लोग मोबाइल में भी सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ओके थैंक यू। जिसको आते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है 1% लोगों ने शायद हाथ खड़े किए होंगे, 1-2% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से नोटिस किया आपने, हैप्पी वर्ड जो आप बचपन से सीखते हुए आए हो। शायद फर्स्ट क्लास में हैप्पी वर्ड सीख लिया था हमने, फर्स्ट क्लास में सीख लिया था। आज हम कौन सी क्लास में आ चुके, 10th 11th 12th कॉलेज, और हमें पांच वर्ड उसके रिप्लेसमेंट के नहीं पता, नहीं पता, बहुत अजीब सी बात है ना। जबकि वहां पे पता होना चाहिए था कि हैप्पी की जगह डिलाइटफुल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इलाइट, इलेटेड, ग्लैड, मैरी, चीयरफुल, है ना, हो सकते थे ना इस्तेमाल, आप भी बोल सकते थे वर्ड, आपके भी माइंड में आ सकते थे, पर नहीं आए। यानी हमने इतने सालों तक कुछ सीखा ही नहीं, कुछ नया सीखा ही नहीं, हमने उन वर्ड्स की रिप्लेसमेंट जानने की कोशिश ही नहीं की। तो क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है या फिर खुद पे काम करने की जरूरत है? बस आपको किसी टीचर की या किसी एजुकेटर की तो जरूरत है ही नहीं। आपको तो बस इतना करना है कि मान लो किसी ने कहा ही वॉज लुकिंग हैप्पी, एक व्यक्ति ने कहा ही वॉज लुकिंग हैप्पी, दूसरे ने कहा ही वॉज लुकिंग कन्विवियल, ही वॉज लुकिंग इलेटेड, ही वॉज लुकिंग जुबिलेंट, कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट अच्छा लगेगा, सेकेंड इंप्रेसिव लगेगा कि नहीं? आप बोलोगे कि जो सेकंड वाला सेंटेंस था वो ज्यादा इंप्रेसिव था, या जो सेकंड वाला व्यक्ति है, जो सेकंड पर्सन है, वो ज्यादा एजुकेटेड है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ऐसा मानोगे कि नहीं, माइंड में एक ऐसी इमेज बन जाएगी कि नहीं, ऐसा क्यों हुआ, उसने कौन सा कमाल कर दिया? उसने सिर्फ क्या किया, जो नॉर्मल वर्ड था उसका रिप्लेसमेंट, जो कि बहुत आसान सा है, इलेटेड ग्लैड, वो सिंपल सा तो वर्ड है, वो उसने इस्तेमाल कर दिया। तो क्या ये काम आप लोग जितने भी बैठे हो आप नहीं कर सकते? कर सकते हो, करोगे कैसे? कि बस जो भी आप वर्ड बोलते हो, बस उन वर्ड्स पे ऑलरेडी आप बोल ही रहे हो, उन पे काम करना है कि उनके और सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं। मानते हो इस बात को?
मानते हो? ऐसे यहां मत बोलना, मानते हो? ठीक है, क्योंकि यार हम लोग दोस्त है, हम लोग यहां दोस्त है, मैं यहां पे आपका कोई टीचर नहीं हूं, पहले बता रहा हूं, ठीक है? अब ये मत करना कि आके आके खड़े हो जाओ, गले में हाथ डाल के कहो अरे सर क्या हाल चाल है दोस्तों आप तो। अच्छा सुनो, एक और चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे समझाओ आप लोग। हम पहले पता है क्या कहते थे? जो यहाँ पे थोड़े पेरेंट्स आए हुए हैं वो शायद मुझे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और बता पाएंगे कि पहले क्या होता था, पहले पहले का टाइम क्या होता था, इंग्लिश जो बोलना होता था ना उसको माना जाता था कि वो पढ़ा लिखा है, माना जाता था ना, पढ़ा लिखा इंसान, उसकी पहचान कैसे होती थी, शायद आज भी होती है कि जो इंग्लिश बोलता है वो माना जाता है कि पढ़ा लिखा है। ऐसा क्यों होता है पता है? हमने इसे नेगेटिव ले लेते हैं, हम कहने लगते हैं कि नहीं भाई ये कोई तरीका थोड़ी है, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये थोड़ी होता है कि इंग्लिश ही आए, ये है वो है, लेकिन हम उसका फैक्ट भूल जाते हैं। हमने कभी फैक्ट पे बात ही नहीं करी कि पढ़े लिखे इंसान की पहचान इंग्लिश स्पीकिंग से कैसे होती है। पता है कैसे होती है? कैसे होती है? पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा का मतलब ऐसा इंसान जिसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे एग्जाम्स लिखे होंगे। मानते हो? मानते हो ना? आप लोग एग्जाम देके आए हो ना, साइंस का एग्जाम दिया ना आपने, हिंदी में दिया इंग्लिश में दिया, मोस्टली इंग्लिश में दिया होगा। इंग्लिश का एग्जाम दिया आप लोगों ने और इंग्लिश का एग्जाम इंग्लिश में दिया, ओ सॉरी। ठीक है, तो होता क्या है, आप जब पढ़ते हो, अभी आप टेंथ में थे, इलेवंथ पढ़ी, ट्वेल्थ पढ़ी, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, है ना, जब आप इतना पढ़ते हो तो आप इंग्लिश की इतनी किताबें पढ़ लेते हो कि आपको इंग्लिश बोलनी आ जाती है, दिमाग में फिट हो जाती है, है ना। जैसे कि गुड मॉर्निंग आपने कभी सीखा नहीं, आपके माइंड में छप गया, ऐसे थैंक यू अभी कभी आप सोचते नहीं हो बोलने से पहले, बोलते हो क्या? थैंक यू तो ऐसे निकल जाता है, थैंक यू, है ना, ऐसे निकल, ऐसे ही हल्की सी सॉरी, है ना, सॉरी कभी किसी ने सिखाया था आपको? किसी ने नहीं सिखाया। ऐसे दुनिया भर के सेंटेंस आपको रटे पड़े हैं जो आपको किसी ने सिखाया ही नहीं, वो आपने कहां से सीखे? जब आपने पढ़ाई करी, अपनी बुक्स पढ़ी, साइंस में पढ़ा, सोशल साइंस में पढ़ लिया कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, इंग्लिश तो पढ़ते ही हो, वहां से आपने सीख ली। मानते हो? मानते हो? तो पढ़ा लिखा इंसान की पहचान इंग्लिश स्पीकिंग से क्यों होती है, समझ में आ गया? क्योंकि वो ऑलरेडी जितनी भी उसने पढ़ाई की होती है और जितनी भी हायर स्टडीज होती है, मोस्टली मोस्टली वो इंग्लिश मीडियम में होती है। दुनिया भर की जितनी भी बुक है, पहले तो इतनी नहीं होती थी ट्रांसलेशन, अब तो ज्यादा होने लगी, अब तो आसानी हो गई ना, पहले की जो बुक्स होती थी वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती थी। तो जो भी पढ़ा लिखा इंसान होता था वो क्या करता था, जितना वो पढ़ता था वो किस में पढ़ता था, इंग्लिश में, और उसको इंग्लिश स्पीकिंग आ चुकी होती थी। इतना मानते हो? बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग जो नहीं बोल पाते इंग्लिश, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई इंग्लिश सीख के क्या हो रहा, कुछ भी नहीं होता, इंग्लिश तो मातृभाषा, मातृभाषा तो हमारी हिंदी है, इंग्लिश को बिल्कुल निकाल दो, इंग्लिश बाहर की भाषा छोड़ो, इसको सीखो ही मत, बेकार की चीज है, हिंदी सीखो। अरे उनसे को हिंदी बोल के दिखाओ और उनसे पूछ लो कि बताना हिंदी में क्रिकेट को क्या कहते हैं, उन्हें नहीं पता होगा। सो हम लोग ना बच रहे होते हैं, हम ना अपने आप को बचा रहे होते हैं, क्योंकि हमें नहीं आती वो चीज तो हमें बुरी लगती है, जो चीज हमें नहीं मिलती ना फिर हम उसे नफरत करने लगते हैं, ये हमारे साथ होता है। सो हमें करना क्या चाहिए, हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें इंग्लिश क्यों सीखने क्या है, हमें इतना पता होना चाहिए कि भाई इंग्लिश सीखने से हमें इतना फायदा है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, किसी भी कंट्री में चले जाओगे वहां भी इंग्लिश है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां इंग्लिश बोली जा रही है। आज की सच्चाई भी यही है कि अगर आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे होते हो तो यू लुक मोर अट्रैक्टिव, यू लुक मोर एजुकेटेड, सो दैट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, गॉट इट? चलो, तो उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों के दिमाग में रहता है इंग्लिश ही क्यों सी, अरे भाई ठीक है ना, तुम अपना काम निकालो ना भाई, कामयाब होने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए आपको जो करना पड़े आपको वो करना चाहिए, बस माइंड में ये रखो कि क्या काम करके मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है? पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है? अपने घर के आसपास वो सब कुछ हरा नहीं करना तुम लोगों ने, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. नहीं, कोई नहीं, अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑल राइट, इन लोगों का जोश देख के ना आई एम वेरी हैप्पी। Let's continue. No problem, no problem. So guys, सुनो ना, देखो ना, हमने फैसला किया ना, मैंने आपसे वादा किया है ना कि आज आप सीख के जाओगे, स्किल अप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है, तो मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। जो हमारे साथ में बैठे हुए लोग हैं, जो सबसे कमजोर भी है ना, मैं चाहूंगा वो भी एक इंटेलिजेंट, एक स्मार्ट बच्चा बन के निकले यहां से, तभी हमारा यहाँ आना सफल हो पाएगा, ठीक है?
चलो इसी बात पे कोई है हमारे बीच जो मुझे 5 मिनट तक किसी भी लैंग्वेज में, अभी बुलाऊंगा रुक जाओ, कोई भी है ऐसा जो अगले 5 मिनट तक कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में, कुछ भी का मतलब ये नहीं कोई भी टॉपिक पे अगले 5 मिनट तक बोल के दिखा सकता है बिना अटके, अटकना नहीं है, कोई है क्या, कोई है क्या आप में से, कोई कोई चीता है ऐसा, कोई शेरनी है ऐसी जो अगले 5 मिनट तक बिना रुके किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोल दो, कन्नड़ में बोल दो, तेलुगु में बोल दो, मुझे कौन सा समझ आएगी, रेज योर हैंड, रुक जाओ देख योर टाइम, नहीं लड़कियां कहेंगी हमें तो बुलाया ही नहीं, शुभम को बुला लिया था, दीपक से पूछ लिया था, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, अंशिका, अंशिका आ जाओ, अंशिका कह रही है कि वो अगले 5 मिनट तक बुलाए बोल के दिखाएंगी, सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। भाई टाइम लोग ना आप अपनी वॉच में देख लेना, लो जी स्टार्ट। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंशिका एंड आई स्टडी ग्रेजुएशन। मैं आप सबको सक्सेस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो सक्सेस होती है ना उसमें कभी भी कोई फुल स्टॉप नहीं होता, ऑलवेज सक्सेस में इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। लाइक जैसे कि मान लो, मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। ओके थैंक यू अंशिका, थैंक यू अंशिका, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके अमन हमारे बीच है, अमन अटकना नहीं है, अंशिका को तो मैंने ग्रेस दे दिया था, तुम्हें नहीं दूंगा, चलो सर सबसे पहले मैं आपको हाथ करना चाहता हूं। अरे अरे प्लीज सर, चलो 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 आ जाओ। ओके चलो अब अगले 5 मिनट तक बिना अटके बिना रुके बोल के दिखाओ, जैसे मैं बोल के दिखाऊं, जैसे इस तरह से बोल के दिखाओ ना, हे गाइस टुडे आई एम गोना स्पीक अबाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर व्हिच इज फॉलोड इवन बाय द नेचर एज वी सी सन मून राइज एंड सेट्स इन अ डिसिप्लिन मैनर, फ्लावर्स फ्लावर्स इन अ डिसिप्लिन वे। ऐसा ट्राई करो ना, तो बेसिकली मेरा कोना ऑन होता है, मैं सभी एज गेस कर लूंगा, एक बार एज गेस कर लूंगा 52 अराउंड, क्या 20 17, ओके वेरी गुड। क्लास 17 में 12th कर लिया होगा आपने, 11th में, ओके तो आपको लग रहा है मैं क्या कर चुका हूँ, अभी अभी थैंक यू सो मच अमन, यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, बट मैं आपने वो दे दिया है जो मैं आपसे चाहता था, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था वो ये थी कि यहाँ जो भी आया, ओके अमन यू कैन सिट, ओके थैंक यू, हम जो बात कर, ओके यहाँ अमन ने बहुत अच्छा बोल के दिखाया, उससे पहले अंशिका आई, लेकिन पता है हमारा प्रॉब्लम क्या था, मैंने जो आप लोगों से कहा था, मैंने कहा था कि अगले 5 मिनट तक किसी भी लैंग्वेज में आपको बोल के दिखाना है, वो नहीं हुआ, नहीं आप लोगों में टैलेंट होगा मैं जानता हूं, लेकिन मैक्सिमम लोगों से वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ पता है, क्यों नहीं हुआ, सो हम लोगों को स्पीकिंग में प्रॉब्लम इसलिए होती है, हम बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे माइंड में कॉन्टेंट नहीं होता, हमारे माइंड में वोकैबुलरीज नहीं होती, हमारे माइंड में स्ट्रक्चर्स बने हुए नहीं होते, तो हम बोल क्या पाएंगे, हम तो बस आके खड़े हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं अब क्या बोलना है, और वो हमें हिंदी लैंग्वेज में इतना नहीं फील होता क्योंकि हिंदी में तो फिर भी हम वो रोजाना बोल रहे होते हैं, हमें डेली की प्रैक्टिस होती है, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश तब हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा वोकैब बैंक खाली होता है, मानते हो इस बात को, आपके साथ ये होता है कि आपके माइंड में कुछ वर्ड्स ही नहीं आते, वोकैबुलरीज ही नहीं आती है, अभी हमने देखा भी कि मैंने आपसे कहा कि हैप्पी के कोई सिनोनिम्स बता दो, हैप्पी जो कि बहुत आसान सा वर्ड है ना, लेकिन तब भी नहीं आए, क्या लिखा है ये जरा पढ़ने की कोशिश तो करना, पीटर पाइपर पिक द पैक ऑफ पिगल पेपर, पीटर पाइपर पिक द पैक ऑफ पिगल पेपर, वेयर द पैक ऑफ पिगल पेपर, पीटर पाइपर मेक, क्या था ये बच्चों, इसे कहते हैं टंग ट्विस्टर, कितने लोगों को पता है, रेज योर हैंड, टंग ट्विस्ट करने वाला, यानी जो टंग है वो लड़खड़ा जाएगी, रपट जाएगी, है ना, लेकिन आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, ठीक है,
तो ये आपकी जो जबान है उसको रपटना ही है, इससे फायदा क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है, प्रोनंसिएशन का प्रॉब्लम होता है। प्रोनंसिएशन क्या होता है बताऊंगा अभी। तो जिन लोगों को भी ये दिक्कत होती है, जो बिहार से, बिहार से कितने लोग हैं जिनका ताल्लुक हो बिहार से? बहुत सारे बच्चे हैं, वेरी गुड। यूपी से बाकी यूपी वाले? अरे बस बिहार और यूपी वाले आए हुए, दिल्ली में क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा अच्छा, तो ज्यादातर जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, उनका अपना एक एक्सेंट होता है ना, जिसमें शायद जा बोलने में प्रॉब्लम होती है, शाह बोलने में प्रॉब्लम होती है, या जा बोलने में प्रॉब्लम होती है ना, होती है ना प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी तो होती है ना। इससे क्या फायदा होगा? आपको हक लाने का प्रॉब्लम है, आप बोलते हो काशिफ सर, है ना, ऐसे बोलते हो, तो ये प्रॉब्लम खत्म होगी। आप बहुत ज्यादा हकलाने लगते हो, स्टैमरिंग का, स्टटर का प्रॉब्लम है, तो इससे दूर होता है। करना क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सुनो ना, सुनो, मानोगे ना मेरा कहना? अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, आपके मुंह से वर्ड्स ऐसे निकले जैसे कि मुंह से फूल झड़ रहे हो, तो क्या करोगे, क्या करोगे? इसकी प्रैक्टिस करोगे, है ना। मजा आता है ना इसको बोलने में? मुझे तो बड़ा मजा आता है, मैं दिन रात बोलता रहता हूं इसी तरह के टंग ट्विस्टर्स, है ना। करोगे ना इसी तरह के, बहुत सारे टंग ट्विस्टर तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे। देखो मैं आज तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूं। तुम किसी टीचर पे, किसी एजुकेटर पे डिपेंड ना रहो, आप खुद इतने काबिल हो यार, बहुत टैलेंटेड हो आप लोग, मालूम है आपको, बहुत टैलेंटेड हो यार आप लोग। आप लोग ऐसा फेसबुक चलाते हो, ऐसा इंस्टाग्राम चलाते हो, मुझे भी नहीं आता है। जब वो सब कर सकते हो तो ये कौन सी बड़ी चीज है, राइट? सो प्रोनंसिएशन का जिसको भी प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नहीं भी प्रॉब्लम होता फिर भी मेरे कहने से आपको टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। कर पाओगे? अच्छा, मैं किन्हीं चार लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं स्टेज पर, दो लड़के दो लड़कियां, भाई तालियों से स्वागत करो, यहां तक आना भी ना। बट मैं चाहता हूं आप जिंदगी में भी कभी भी किसी भी जगह स्टेज पे जाना हो, पब्लिक में जाना हो, तो मैं चाहता हूं अब आप लोग घबराओ ना, आप में होड़ लगे, जैसे यहां होड़ लग रही है ना, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, ऐसे ही आप, आपका ये नेचर, यही एटीट्यूड चाहिए मुझे। रखोगे ये एटीट्यूड? वेरी गुड भाई, इंडिया का फ्यूचर बड़ा बड़ा ब्राइट है, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। क्या आप सभी को नजर आ रहे हैं जो लिखा हुआ है? आप सभी लोग भी ये पढ़ पा रहे होंगे, कोई पढ़ेगा नहीं, प्लीज मुंह से आवाज ना निकाले। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। प्रोनंसिएशन और एक्सेंट, क्या दोनों सेम होते हैं? यस और नो? नो, करेक्ट आंसर, दोनों सेम नहीं होते। प्रोनंसिएशन किसी भी वर्ड का एक रहेगा, एक्सेंट अलग हो सकते हैं, समझ रहे हो? चाइनीज एक्सेंट अलग हो सकता है, तेलुगु एक्सेंट अलग हो सकता है, कन्नड़ एक्सेंट अलग हो सकता है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग हो सकता है, अमेरिकन एक्सेंट अलग हो सकता है, कनेडियन एक्सेंट अलग हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग हो सकता है, इसी तरह से इंडियन एक्सेंट भी है, लेकिन प्रोनंसिएशन सेम ही रहेगा। यानी इंडियन प्रोनंसिएशन इंडियन एक्सेंट ही है। इतना क्लियर है आप लोगों को? मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आपके सामने यहां कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी एक एक करके जो पहला वर्ड है उसको प्रोनाउंस करो, चीटिंग मत करना। जल्दी जल्दी, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक मिनट, ये सुनो बच्चों ध्यान से, डिटरमिन आवाज आई सबको? आई क्या वर्ड आपको? नहीं आई क्या था? दोबारा सुनो, नहीं आई तुम लोगों को आवाज? डिटरमिन क्या बोल रहा है ये? नहीं, आप लोग यहाँ खड़े हो ना, आपको नहीं आ रही, इधर सुन लो आप लोग। एनीवे, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था, गूगल पे इसलिए दिखाना चाह रहा था, आप लोग पर्सनली भी इसको सर्च कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे प्यारे बच्चों ने, इन छह के छह लोगों ने, जो ये बहादुर बच्चे आए थे, इन्होंने जो वर्ड बोला वो गलत था, इसका प्रोनंसिएशन ये नहीं होता। और अगर मैं कहूं कि 95% से भी ज्यादा लोग इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। क्या ये वर्ड पहली बार देख रहे हो? इसका जवाब दो। ये वर्ड कहां देखा है आपने? कहां देखा आपने? मैथ्स में देखा है ना, एक्स की वैल्यू का मान ज्ञात करो, इंग्लिश में होता है डैश द वैल्यू ऑफ एक्स।
इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है डिटरमिन. क्या होता है? डिटरमिन. क्या होता है? डिटरमिन. हो सकता है आपने अपने टीचर्स को भी ये कहते हुए सुना हो डिटरमाइन, क्योंकि अब मैं चाहता हूं आप भी इस चीज पे ध्यान देना शुरू करो. एक अच्छा, एक सक्सेसफुल इंसान वही हो सकता है, वही बन सकता है जो अपने आसपास की चीजों को क्या करे, ऑब्जर्व करे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या सही है क्या गलत. ये वर्ड डिटरमाइन नहीं होता, ये होता है डिटरमिन. अच्छा, मैंने अगर डिटरमाइन बोल दिया तो क्या हो गया? इंडियन एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट है. सर्च करके देख लो गूगल पे, सर्च करके देख लो, गलत है. इंडियन एक्सेंट में भी डिटरमिन है. अब आप अपना सर पकड़ के बैठ गए, फर्क तो अब भी नहीं पड़ता. मैंने कहीं पर डिटरमाइन बोला था, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा. अब कौन सा, वो तुम्हें अरेस्ट करवा देते पुलिस में. लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा जो ये चीज जानता होगा ना, और पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, आप कहीं जाते हो इंटरव्यू में जाते हो, आप किसी बड़ी अच्छी पढ़े लिखे लोगों के बीच होते हो, वो आपकी इस बात को नोटिस करते हैं और इससे आपका इंप्रेशन. लेकिन अब नहीं होगा, आज के बाद से नहीं होना चाहिए. अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक सोच देने आया हूं. सोच क्या है? जो वर्ड आप ऑलरेडी प्रोनाउंस करते हो उनका प्रोनंसिएशन देखो. गूगल पे तीन एक्सेंट बताता है, कोई भी वर्ड गूगल पे सर्च करोगे ना, तीन एक्सेंट बताता है. इंडियन एक्सेंट, उसी का यूएस एक्सेंट और उसी का ब्रिटिश एक्सेंट. आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास अकल भी है, फिर देरी किस बात की है? फिर आज तक ये गलती सुधरी क्यों नहीं? नहीं, मैं आपको छड़ी से नहीं मारने वाला, यू कैन गो, थैंक यू. ये अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुकता भी और है. नहीं नहीं बच्चों, टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा. मेरे पास अभी बहुत कुछ कहने को है आपको, बताने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है? आप ही लोग यहाँ पे रहो, आपके साथ में थोड़ा डिस्कस करूंगा. आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे आके आपकी गलतियां पकड़ी जा रही है? नहीं. लेकिन याद रखना, आज के बाद आप ये गलती कभी नहीं करोगे. आप छह लोग तो कभी नहीं करोगे, और क्या आप लोग करोगे? इससे फायदा कुछ होगा? क्या फायदा होगा? इंप्रेशन. That is the fight, that is the battle of self-respect and impression. याद रखना मेरी बात बच्चों, कहीं भी जाते हो कोई आपसे यह नहीं पूछता कि a plus b का whole square क्या होता है, कोई आपसे Pythagoras theorem नहीं पूछता, कोई आपसे Thales theorem नहीं पूछता, कोई आपसे यह नहीं पूछता कि 1857 का जो इंडियन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें क्या हुआ था. हर कोई आपसे पूछता है, who are you, what do you do? और अगर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, खुद को इंग्लिश में अच्छे से नहीं बता पाते हो, उनका प्रोनंसिएशन सही नहीं कर पाते हो वर्ड्स का, तो आपका इंप्रेशन डेफिनेटली डाउन होता है. ठीक है, चलो बच्चों, ये होता है डिटरमिन. क्या होता है? डिटरमिन होता है, जिसे हम डिटरमाइन आज तक पढ़ते हुए आए. अब आपके सामने एक बहुत प्यारा वर्ड है जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हुई हुई है. सबको चाहिए, बहुत सारे तो यहां पर भी बैठे हुए होंगे क्रिएटर्स, है ना, यूट्यूबर्स हो गए, रीलर्स हो गए. रीलर्स है क्या कोई? रीलर, रील्स बनाने वाले. तो ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है ना, कॉमन वर्ड है. आई एक्सपेक्ट नहीं हो कि इसका तो प्रोनंसिएशन सब सब करेक्ट करेंगे ही. करोगे भाई? होना तो चाहिए, ऑब्वियस है. अब ये सबने मोबाइल तो निकाल लिया ना, मोबाइल नहीं निकालो, ठीक है, मोबाइल में मत देखना. बहुत सिंपल सा वर्ड है. आप मुझे बताओगे इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? फॉलोअर. फॉलोअर, 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 फॉलोअर. गलती आपकी नहीं है बिल्कुल भी. ये कॉमन है, ये कॉमन है, और यहीं से फर्क पड़ता है. ये फॉलोवर नहीं है, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है. अच्छा सर, ये तो आप एक्सेंट बता रहे हो. नहीं, फॉलोवर नाम का कोई वर्ड है ही नहीं. ये फॉलोअर क्या है? फॉलोअर, अर, फॉलोअर. किसी को कोई शक हो, डाउट हो, तो घर जाके आराम से सर्च कर सकता है, अभी बैठ के निकाल के देख सकते हो. खैर, अब आपको लत लगेगी कि सारे वर्ड को देखूं यहीं बैठ के. अभी नहीं, घर जाके देखना. घर जाके अपने आप को जो होमवर्क है आपका, जितने वर्ड बोलते हो ना, जो कॉमन वर्ड्स बोलते हो, एक बार जाके देख लेना. अरे यू तो यू ही होता है ना, आई तो आई होता है ना. जरूरी है. क्यों जरूरी है ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जितने साथी यहां मौजूद है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कितनी इंग्लिश बोल रहे हो ये जरूरी नहीं है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. कैसे इंग्लिश बोल रहे हो, द वे यू आर स्पीकिंग इज द की. कैसे प्रोनाउंस करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
कितनी वोकैबुलरी, आप ना 500 वोकैबुलरी याद करके रख लो और गलत गलत बोलो, आप इंप्रेसिव नहीं लग सकते हो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कुछ लोगों का, ऐसे बहुत सारे हमने सेलिब्रिटीज वगैरह देखे ना जो कि दे ट्राई वेरी हार्ड कि इंग्लिश बोले, और बहुत ऐसे लोग आप जानते भी होंगे जो ट्राई करते हैं, बहुत सारे वर्ड भी बोलने की कोशिश करते हैं, बट वो इंप्रेसिव नहीं लगते। पता नहीं क्यों नहीं लगते, उनका प्रॉब्लम यही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है सर मैं हेजिटेट होता हूं या कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो दो तीन ही तो प्रॉब्लम है। पता है मेरे ना, मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में एक चीज बताऊं, आप लोग थक जाओगे, यू कैन गो प्लीज। थैंक यू यार, तालियां हो जाए यार। हेलो हेलो।